नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में वक्त से पहले पूरा होगा 6 करोड़ वैक्सीनेशन। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में हुई बढ़ोतरी। नए फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अहम सूचना। मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह अपनी पहली पुण्यतिथि पर किए गए याद। बिहार पुलिस महकमे में फिर से बड़ी संख्या में हुआ ट्रांसफर। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार पुलिस महकमे में फिर से बड़ी संख्या में हुआ ट्रांसफर। एक बार फिर से बड़ी संख्या में बिहार के पुलिस महकमे में फेरबदल की गई है। यह ट्रांसफर खास तौर पर आतंकियों से निपटने के लिए किया गया है, जिसके तहत राज्य भर के विभिन्न जिलों के 31 पुलिस पदाधिकारियों और जवानों का तबादला किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आतंकवाद निरोधक दस्ता में 31 पुलिस वालों की पोस्टिंग की गई है, जिन पुलिस पदाधिकारियों और जवानों का तबादला ATS में किया गया है उनमें बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी और सिपाही हैं। इसमें कई ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो बिहार पुलिस के दूसरी इकाइयों में तैनात है। गौरतलब हो कि इससे पहले जून महीने में ही बड़ी संख्या में बिहार ATS में बदलाव किया गया था। आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में जुटे फरियादी। सितंबर महीने में दूसरी बार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जनता दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां अलग अलग जिले से शिकायतकर्ता अपनी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे। इस दौरान इनका निपटारा करने के लिए CM ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित आदेश भी दिए। आज के जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान कई छात्रों ने मैट्रिक प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने की शिकायत को लेकर पहुंचे, तो वहीं एक दिव्यांग फरियादी ने अब तक आयुष्मान हेल्थ कार्ड नहीं मिलने की शिकायत की। इसके बाद CM ने फौरन स्वास्थ्य विभाग को इस मामले को देखने को कहा। राज्य में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण कचरे से भर गए गली चौराहे। 12 सूत्री मांगों के साथ बिहार के सभी नगर निकायों में सफाई कर्मी हड़ताल पर है और इनके हड़ताल का आज सप्ताह भर होने तक यह हड़ताल जारी है। 48 सफाई कर्मी बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर के नीचे हड़ताल पर बैठे हैं। मोर्चा के अध्यक्ष का कहना है कि जब तक सरकार उनके 12 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करती है, तब तक वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ इनके हड़ताल से पिछले 6 दिन से शहरी क्षेत्र की सड़कों पर कूड़े कचरे का अंबार लग गया है। बारिश की वजह से कचरे से निकले दुर्गंध लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं बताते चले कि अकेले पटना शहर में 4300 टन से अधिक कचरा जमा हो गया है। इस क्रम में नगर विकास व आवास विभाग की तरफ से वार्ता का प्रयास लगातार जारी है। बिहार में वक्त से पहले पूरा होगा 6 करोड़ वैक्सीनेशन। बिहार सरकार ने साल के अंत तक में 6 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य तय किया है। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया था कि यह लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 18+ वालों की संख्या 7.22 करोड़ है, जिनका टीकाकरण किया जाना है। वहीं रविवार की शाम तक करीब 4.47 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका था। विभाग के मुताबिक इस रफ्तार से अगर टीकाकरण हुआ तो लक्ष्य से पहले 6 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया जाएगा। बताते चले कि ताजा आंकड़े के मुताबिक 3.69 करोड़ लोगों ने राज्य में अब तक वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, तो वहीं दूसरी डोज लेने वाले की संख्या 78.5 लाख के करीब है, जिसे सरकार अभियान चलाकर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अगले 3 दिनों के लिए कई जिलों में बारिश का जारी हुआ अलर्ट। करीब 10 दिनों की सुखाड़ के बाद एक बार फिर से कई जिलों में बारिश के आसार बने हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के मुताबिक 15 सितंबर तक मध्य और उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके तहत बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, सीवान, सारण, गोपालगंज, पटना, नालंदा, नवादा, गया एवं शेखपुरा जिले के लिए अलर्ट जारी हुआ है। तो वहीं बुधवार के लिए सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और किशनगंज में भारी बारिश होने की आशंका है, जिनके लिए भी केंद्र की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। राजधानी पटना में डेंगू के मामलों में हुई बढ़ोतरी। हर साल ही इस सीजन में राजधानी पटना में कई बीमारियों का खतरा सताने लगता है। कोरोना के मामले शांत हुए हैं, पर अब वायरल फीवर और डेंगू के मामले में इजाफा हुआ है। राजधानी पटना के ज्यादातर इलाके डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। डेंगू का प्रकोप शहर के गुलजारबाग, दरियापुर, दानापुर, चैलीटाल, बैरिया, महेंद्रू, अगमकुआ, सिपारा आदि इलाके में है। पटना सिविल सर्जन के मुताबिक पिछले 12 दिनों में अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के
28 मरीज भर्ती हुए हैं। सिविल सर्जन ने बताया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को खतरे में देखते हुए वायरल, डेंगू और अन्य संक्रमण से पीड़ित बच्चों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है, जिसके लिए खासतौर पर एक टीम भी बनाई गई है। नए फ्लैट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए अहम सूचना। अगर आप भी नया फ्लैट खरीदने का मन बना रहे हैं तो संबंधित बिल्डर के बारे में अच्छे से जांच परख लें, क्योंकि बिहार में फिर से 11 बिल्डरों के प्रोजेक्ट निबंधन को रेरा ने रद्द कर दिया है। इनमें से गया, भागलपुर, सासाराम और पटना जिले के बिल्डरों के प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है, जिन्होंने नक्शा, रिटर्न फाइल और अन्य कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की थी। जिन प्रोजेक्ट्स को रेरा ने निबंधन नहीं दिया उनमें सासाराम का साइंस सिटी, शील लाइट बिल्डर्स द्वारा बनाए जा रहे रिवर माउंट अपार्टमेंट, पटना के स्वामी विनायक कंस्ट्रक्शन का यूआर रविकिरण कॉम्प्लेक्स, श्री महावीर बिल्डर्स का लैंड डेवलपमेंट, शिव जया कंस्ट्रक्शन का जया गार्डन, शौर्य इंफ्रा वेंचर्स का शौर्य होम्स, आर के नारायण कंस्ट्रक्शन का चंद्र प्रभा हेरिटेज, ख्याति इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीन चंद्र कॉम्प्लेक्स और मुनेश्वरी इंजीकॉम का नरेंद्र इनक्लेव शामिल है। तो वही गया का रॉयल प्रीमियम डेवलपर्स का रॉयल सिद्धार्थ इनक्लेव और पूनम सिंह का खुशी प्रांगण, भागलपुर का मृणमय मित्रा का विवाह इनक्लेव को भी रद्द किया गया है। इन जगहों पर फ्लैट मिलने से पहले ग्राहक अच्छे से सोच विचार ले। मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद से अपनी पहली पुण्यतिथि पर किए गए याद। मनरेगा योजना के सृजनकर्ता और मनरेगा मैन के नाम से मशहूर रघुवंश प्रसाद सिंह की आज पहली पुण्यतिथि मनाई गई। दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के शुरुआती और वरिष्ठ नेता में से एक थे, जिनका सम्मान अमूमन हर दल के नेता करते थे। इस मौके पर राजद प्रदेश कार्यालय से लेकर उनके पैतृक गांव वैशाली के पानापुर पहेमी शाहपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी शिरकत किया। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी उन्हें अपने संघर्ष का साथी बताते हुए याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत रघुवंश प्रसाद सिंह को ब्रह्म बाबा के नाम से भी पुकारा जाता था। जनता दरबार में एक शिकायतकर्ता के अड़े रहने पर मुख्यमंत्री का दिखा गुस्सा। आज के मुख्यमंत्री जनता दरबार में एक वाकया ऐसा भी देखने को मिला जब नीतीश कुमार के शिकायतकर्ता पर ही गुस्सा हो गए। दरअसल एक फरियादी शिक्षा विभाग में भारी गड़बड़ी की शिकायत को लेकर पहुंचा और कहा कि परीक्षा में धांधली की शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इस मुद्दे को सीएम के स्तर से देखे जाने की मांग पर शिकायतकर्ता अड़ गया। काफी जिद के बाद मुख्यमंत्री गुस्से में आ गए, जिसके बाद सुरक्षा गार्ड ने उक्त फरियादी को वहां से हटाने की कोशिश की, मगर मुख्यमंत्री ने उन्हें छोड़ देने को कहकर उस फरियादी को शिक्षा विभाग के पास भेज दिया। दूसरे चरण में नामांकन भरने की समय सीमा हुई खत्म। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 6 पदों के लिए दूसरे चरण में उम्मीदवारों के नामांकन भरने का सिलसिला आज खत्म हो गया। आज शाम 4 बजे तक ही दूसरे चरण के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन भर सकते थे। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक शाम 4 बजे के बाद किसी प्रत्याशी के नामांकन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बताते चले कि अब दूसरे चरण में होने वाले नामांकन में 16 सितंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। जो भी प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं उन्हें 18 सितंबर शाम तक का समय दिया गया है। दूसरे चरण में 29 सितंबर को मतदान होना है, जिसके बाद 1 और 2 अक्टूबर को मतगणना भी हो जाएगी। विदेशों में रोजगार करने के मामले में सिवान के लोग हुए सबसे आगे। बिहार के लोगों का रोजगार के लिए विदेशों में प्लान करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बेहतर कमाई की चाहत में कई लोग विदेश जाना पसंद करते हैं। कोरोना के असर थमने और अब फिर से स्थितियां सामान्य होने के बाद राज्य के लोगों का विदेशों में जाने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। इस मामले में बिहार के सिवान जिले के लोग सबसे आगे हो गए हैं। पटना के पासपोर्ट कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 22,000 अधिक लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं। इनमें से सिवान जिले में सबसे ज्यादा 16,283 लोगों के पासपोर्ट बनाए गए, जबकि इस मामले में गोपालगंज दूसरे और पटना तीसरे नंबर पर रहा, जहां 11,656 लोगों ने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाए हैं। इस साल की शुरुआत से जुलाई तक में 135,759 आवेदनों में से 122,195 लोगों के पासपोर्ट निर्गत किए गए हैं। पटना गया रोड पर जाम लगने की समस्या का हो गया निदान। पटना के नए बस अड्डे ISBT बैरिया के बन जाने के बावजूद लंबी दूरी की कई बसें पटना गया रोड किनारे लग रही थी, जिस कारण से आए दिन इस सड़क पर लोगों को लंबी लंबी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अब प्रशासन की पहल और सख्ती के बाद इस समस्या का हल निकाला जा चुका है। ISBT बस स्टैंड जाने वाली सड़क पर जाम लगने की सूचना मिलने के बाद पटना जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की, जिसके तहत बीते दिन बस स्टैंड के बाहर
खड़ी बसों पर कार्रवाई हुई और 12 बसों पर 66,500 के करीब जुर्माने वसूले गए, जिसके बाद से वहां अब सड़कों पर पार्किंग के बजाय परिसर के अंदर ही पार्किंग की जा रही है। इससे अब पटना गया रोड में जाम की समस्या से छुटकारा मिल गया है। बिहार के किसानों को आज मिलेगी रबी सहायता राशि की पहली किस्त। राज्य सरकार के सहकारिता विभाग ने रबी फसल के लिए किसानों को सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा रबी फसल सहायता की जांच में 70,000 किसान की पात्रता पूरी पाई गई है। इन किसानों के बीच 30 करोड़ की राशि बांटी जानी है। बताते चले कि 2020-21 में जिन भी किसानों के रबी फसल में नुकसान हुए हैं, उन्हें ही फसल सहायता योजना के तहत पहली किस्त दी जानी है। यह राशि उनके अकाउंट में भेजी जाएगी। वहीं पिछले खरीफ मौसम में हुए नुकसान की राशि किसानों को दे दी गई है, जिसके तहत लगभग 218 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। यूपी विधानसभा चुनाव में जदयू और एनडीए के मेल पर बना हुआ है संशय। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बिहार की प्रमुख पार्टियां भी जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। हालांकि कई पार्टियां चुनाव में अकेले लड़ने के संकेत भी दे रही है। इस बीच सबसे बड़ा संशय जदयू और एनडीए गठबंधन को लेकर है, क्योंकि बिहार में बीजेपी जदयू की साझा सरकार है। इस बीच जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथ गठबंधन का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सीटों पर सहमति नहीं बनने स्थिति में जदयू अपने बलबूते पर चुनाव में उतरेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि जदयू कितने सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार क्या रोहित शर्मा बतौर T20 और वनडे क्रिकेट के कप्तान के रूप में सही रहेंगे या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।